Let's do question number 38 of exercise 5A, that is arithmetic progression. Question number 38 is, the 24th term of an AP is twice its 10th term. वो कह रहा है 24th term जो AP की है वो twice है 10th term का. Show that its 72 term is 4 times the 15th term. तो हमें ये शो करना है कि जो उसकी 72 term है वो 4 times है 15th term का. तो जो जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं हम. हमें उसने बोला टर्म 24 जो है वो ट्वाइस है टर्म 10 का. और क्या कह रहा है कि हमें शो करना है. शो करना है क्या? शो करना है कि जो हमारा टर्म 72 है वो 4 टाइम्स है टर्म 15 का. तो कैसे शो करेंगे? चलिए पहले हम टर्म 24 हमें पता है. टर्म 24 वो होगी a प्लस 23d और टर्म 10 होगी हमारी a प्लस 9d, राइट? इसी तरीके से अब हमें सॉल्व करना है कि हमें टर्म 24 ट्वाइस ऑफ टर्म 10 के दे रखा है. तो टर्म 24 की जगह 24 की वैल्यू रख दी a प्लस 23d जो कि ट्वाइस है a प्लस 9d का. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लिए तो a प्लस 23d इक्वल्स टू 2a प्लस 9 18d हो गया. अब a की वैल्यूज़ एक साइड और नॉन a वैल्यूज़ मतलब d की वैल्यूज़ दूसरी साइड. तो ये आ गया a माइनस 2a. 2a राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस का है. इसी तरीके से 23d इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. तो दैट मीन्स 18d माइनस 23d. तो ये कितना है? माइनस का a, क्योंकि 2 में से 1 गया a, और माइनस का 23 में से 18 गया इस 5d. तो माइनस माइनस कैंसिल हुए तो हमारा आ गया a इक्वल्स टू 5d. अब a की वैल्यू आ गई हमारी 5d, राइट? अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमें ये शो करना था कि टर्म 72 4 टाइम्स अ टर्म 15 के. तो टर्म 72 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज a प्लस 71d और a की वैल्यू है हमारी 5d प्लस 71d, दैट इज 76d हो गई टोटल. इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो कह रहा है 4 टाइम्स है टर्म 15 के. तो दैट मीन्स 4 टाइम्स टर्म 15 कितनी हो गई? a प्लस 14d हो गई, राइट? तो a की वैल्यू है 5d. तो 4 इंटू 5d प्लस 14d, तो दैट मीन्स 4 इंटू 19d हो गया, राइट? तो 19 फोर्जा कितना होता है? 19 फोर्जा होता है 76d, राइट? तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं. तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ एक्सरसाइज 5A, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 39 इज, द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म. हमें कह रहा है जो टर्म 19 है वो 3 टाइम्स है एपी की 6th टर्म से. इफ़ इट्स 9th टर्म इज 19, अगर उसकी 9th टर्म 19 है तो हमें ए पी निकालना है कि क्या होगी. तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं. हमें कह रहा था जो टर्म 19 है वो 3 टाइम्स है टर्म 6 के. और क्या कह रहा था? अगर टर्म 9 हमारी 19 है तो हमें ए पी बतानी है कितनी आएगी, राइट? ए पी कब बता सकते हैं? जब हम ए और डी जानते हैं. अभी हम ए और डी नहीं जानते. अब टर्म 9 कह रहा है वो 19 है, तो टर्म 9 क्या होगी? ए प्लस 8d होगी, राइट? तो 19th टर्म 9 टर्म हमारी 19 दे रखी है. तो ये आ गया 19 इक्वल्स टू ए प्लस 8d. देखिए 9t9 हमें 19 दिया हुआ था तो इसकी जगह 19 लिख दिया और बाकी एज इट इज़ लिख दिया. तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब आप चाहें तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या 19 8d उधर चला गया तो माइनस का हो गया.
तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन कहें या इसे कहें, बात एक ही है। अब हमें एक चीज़ और दे रखी थी, टर्म 19 है थ्राइस ऑफ टर्म सिक्स्थ के। अब देखिए 19th टर्म क्या होगी हमारी, a प्लस 18d हो जाएगी इक्वल्स टू 3 इंटू सिक्स टर्म क्या होगी, a प्लस 5d हो जाएगी। अब या तो a की वैल्यू रख लीजिए या पहले ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व कर लीजिए फिर a की वैल्यू रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये आ गया a प्लस 18d इक्वल्स टू 3a प्लस 15d, a की वैल्यू एक साइड a माइनस 3a इक्वल्स टू 15d माइनस 18d, d की वैल्यू दूसरी साइड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 3d, ये d है इसको a मत समझिएगा, राइट। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 3d आ गया, 2a इक्वल्स टू 3d आ गया। अब a की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन में थी 19 माइनस 8d, तो पुटिंग a इक्वल्स टू 19 माइनस 8d इन इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन में रखा तो ये कितना आ गया, 2 इंटू a की जगह 19 माइनस 8d रख दिया इक्वल्स टू 3d, ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया 38 माइनस 8 टू ज 16d इक्वल्स टू 3d। अब d की टर्म्स एक साइड तो ये आ गया 3d 16 इधर जाके प्लस का हो गया, राइट। तो ये आ गया 38 इक्वल्स टू 19d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 38 अपॉन 19 दैट इज 2। अब हमें d पता चल गया तो उससे हमें a पता चल जाएगा, दैट मीन्स 19 माइनस 8 इंटू 2, 19 माइनस 8 टू ज 16 दैट इज 3। अब a पता चल गया हमें 3 है और d हमें पता चल गया 2 है, तो ap क्या हो गया हमारा, ap होता था a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो a क्या था, पहला हुआ 3, a प्लस d कितना हुआ 3 प्लस 2 दैट इज 5, a प्लस 2d देखिए यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, a प्लस 2d कितना हुआ 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 3 प्लस 4 7 हो गया, राइट। तो ये 7 आ गया, a प्लस 3d कितना हुआ दैट मीन्स 3 प्लस 3 इंटू 2, तो ये आ गया 3 प्लस 6 दैट मीन्स 9, तो ये आ गया 9 एंड सो ऑन इज द आंसर।